नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज़। हाथरस में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर शहर के मुख्य मार्गों से झांकियों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। शहर के विभिन्न स्थानों से अम्बेडकर अनुयायियों ने शोभा यात्रा का स्वागत कर बाबा साहब को नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि जिले में सोमवार को शहर के सियलखेड़ा स्थित आम्बेडकर पार्क से डॉक्टर आम्बेडकर जागरण मंच द्वारा डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में शहर में एक शोभा यात्रा भव्य झांकियों के साथ निकाली गई। आम्बेडकर शोभा यात्रा का शुभारंभ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन ने झंडी दिखाकर की। शोभा यात्रा सियलखेड़ा से प्रारंभ होकर शहर के मार्गों से घूमती हुई बाद में सियलखेड़ा आम्बेडकर पार्क पर ही समापन हुई। बात करेंगे, यहाँ जो पार्क की देखभाल करते हैं उस बैठ के बात करेंगे, और हम चाहते हैं जरूर ये भव्य पार्क बने, अच्छा पार्क कराएंगे जरूर। और वही खुशी है कि बाबा साहब के प्रति समाज में निरंतर आकर्षण बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में उन्हें बहुत श्रद्धा के साथ याद किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान में चाहे जिस महापुरुष की हम लोग उपेक्षा करते हैं, लेकिन वक्त आवाज़ दे रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर की उपेक्षा भी मैं नहीं कर सकता।